खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दे डाला है। चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि विवाद, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ही न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और साथ ही अन्य लोगों की एक कमेटी बकायदा इसके लिए गठित की जाएगी जो इस पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। तो चुनावों से एन पहले ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना। और हमारे साथ गणेश गोदियाल जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, क्या आप इसका समर्थन करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है और आसन्न हार को देखते हुए ये डूबते हुए व्यक्ति की तिनके को पकड़कर किनारा होने की कोशिश मात्र है। मैं धामी जी के इस बयान को इस रूप में कहना चाहता हूं कि धामी जी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब इस बात पर आपने क्यों नहीं सोचा? आज जब आप मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं तब इस प्रकार की बातें कहके आप उत्तराखंड के सम्मानित मतदाताओं को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो लोग पूछना चाहते हैं, पहले तो धामी जी ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपके कार्यालय से अवैध खनन के ट्रकों को छोड़ने की लिखित रूप में जो आदेश दिए जाते थे, भ्रष्टाचार आपका उजागर हो चुका है, उस पर आप जवाब दीजिए। उत्तराखंड के युवाओं को आपने किस तरह से बेरोजगार कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस पर आप जवाब दीजिए। और इस तरह की बातें कहके वो चुनाव जीतने की आपकी मंशा बिल्कुल सफल नहीं होगी, ये मेरा संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन गणेश जी, आप कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधान मुख्यमंत्री जी ने अभी ये बात कही है, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और इस पर आगे हम बात करेंगे और उत्तराखंड के हित में जो भी हो पाएगा हर वो कोशिश करेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो कुछ बन पाएगा वो जरूर हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अब जब चुनाव सर पर हैं तब आप ऐसा बयान दे रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है हमेशा उनके एजेंडे में ये रहा है। तो किसने रोका था? अगर उनको उनको सिर्फ यही काम था कि वो खनन ही करें, ये काम सोचते पहले? जब काम करना था तब तो अवैध खनन में लगे थे और आज जो है जनता को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। धामी जी को सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों का जवाब देना चाहिए। पहला प्रश्न उत्तराखंड के युवाओं का ये है कि आपने हमारी बेहतरी को अपने लक्ष्य में न रखकर अपनी बेहतरी को लक्ष्य में रखा, पहला प्रश्न तो युवाओं का ये है। यहाँ के किसानों का प्रश्न है कि जब किसान आंदोलित था तब आपने हमारी बेहतरी के लिए क्यों नहीं सोचा? और ये जो सगुफे छोड़ रहे हैं, ये सगुफे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी बेहतरी के लिए छोड़ रहे हैं। किसी, मैंने कहा ना कि डूबते को तिनके का सहारा वाली कोशिश है और कुछ नहीं। ठीक है, आप इस बयान को महज शगुफा बता रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की जो बात कही सीएम ने, आपने कहा डूबते को तिनके का सहारा है। मैंने बहुत क्लियरली कहा, आप इसको इधर उधर मत ले जाइए। मैंने ये कहा कि ये डूबते हुए जहाज को एक तिनके का सहारा दिलाने वाली धामी जी की कोशिश है और ये भाजपा का जहाज निश्चित रूप में डूबने वाला है। ठीक है, शुक्रिया गणेश गोदियाल जी समय निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, जहां कांग्रेस ये कह रही है कि अपनी हार से परेशान होकर बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, सीएम धामी का ये बयान भी इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का
ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उन्होंने कहा है कि विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे तमाम विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो और चाहे वो किसी भी धर्म पर विश्वास रखता हो। उन्होंने ये भी कहा है कि नई भाजपा की सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही बातचीत की जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी गठन करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। ये भी जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ऐसा कानून जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। सिविल कोड लागू होने से कई बदलाव आ जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता, ऐसा कानून। हमारा देश जो अलग अलग धर्मों के लिए जाना जाता है लेकिन सभी के लिए एक ही कानून होगा इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो शादी के लिए हो, तलाक के लिए हो, जायदाद के लिए हो, इन सभी के लिए हर एक धर्म के शख्स को वही कानून फॉलो करना होगा। तो ये इसका बकायदा ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ये सीएम धामी ने कहा है। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो पहला फैसला जो होगा, पहला कदम जो उठाया जाएगा वो इसी विषय में उठाया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी करेंगे। किसी भी धर्म जाति के लोग हो, सभी निजी कानून से ऊपर हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। जान लीजिए क्या है ये सिविल कोड। और विनोद कुमार हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, किस तरह से चुनाव से पहले इस बयान को देखा जाए, क्या कुछ फिजा बदलेगी इससे? बिल्कुल, देखिए चुनाव से ठीक पहले आज धामी सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा और जिस तरह से चाहे धर्मों की बात हो, तलाक की बात हो, जमीनी संपत्ति की बात हो, उसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा और राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। आज राज्य सरकार की ओर से यानी धामी सरकार ने इस बात की ऐलान कर दिया है कि राज्य में जल्द ही इस यूनिफॉर्म कोड का गठन कर इसको लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपकी सरकार ने ये मान रही है कि अब जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है, राज्य किस तरह से मानते हैं इस फैसले को? देखिए, जो राज्य सरकार ने सिविल कोड की जो बात की है उसका सरकार का कहना यह है कि जो भी जो सभी लोगों में जैसे बुरखा पहनने की व्यवस्था जो चला रही है, जो कांग्रेस सरकार का जो षड्यंत्र चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ के, लेकिन ये षड्यंत्र चल नहीं पाएगा, इनका इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि ये जो सरकार हमारी मोदी सरकार जो है और ये जो पुष्कर सिंह धामी वाली सरकार है एकदम साफ सुथरी है। इसने जो काम किए हैं और जो काम किए हैं इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग इससे प्रभावित हैं और ये जो हमारी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार का जो योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं चले पहले लोग कांग्रेस सरकार योजनाएं चलाती थी वो उसे सालों लग जाते थे, एक भी वहां से चलता था तो यहाँ पद जी सर बताएं कि आखिर क्या स्टैंड है आप लोगों का इस पूरे मसले पर, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाती है बीजेपी तो क्या इसका समर्थन कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस का समर्थन करने या विरोध करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीजें क्या चुनाव के वक्त ही याद आती हैं कि 5 साल सत्ता में रहे, 6 महीने पुष्कर सिंह धामी जी को चीफ मिनिस्टर बने हो गए, उससे पहले भी तो शायद ये चीजें याद आनी चाहिए या चुनाव के वक्त याद आएंगी। एक बात, दूसरी बात मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, विगत चुनाव में 2017 में इनका एक दृष्टि पत्र निकला है, उस दृष्टि पत्र का पहला बिंदु है कि पारदर्शी प्रशासन के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त बिल लाएगी और सत्ता में आती 100 दिन के अंदर अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी। क्या आज 2000 दिन बीत गए लोकायुक्त की नियुक्ति हुई? इसलिए भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, केवल लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को दिग्विभ्रमित करने के लिए, लोगों को बेकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, पिछले चुनाव के किसान है वो क्या क्या सबसे बात दिखाए देंगे और धार्मिक उन्माद फैला देंगे, तमाम चीजें की घोषणाएं वो करेंगे, लेकिन जो काम करना होता है उसको नहीं करते हैं, ना उसको करने में इनका कोई इंटरेस्ट है। अगर ये ला रहे हैं इस तरह का काम ये कर रहे हैं तो पहले ले आए उसके बाद करें तो भी बात कहनी हो, लेकिन ये नहीं लाएंगे। चुनाव चल रहा है इसलिए चुनाव में कई भी बातें इनकी हैं, इसमें क्या यकीन करना है? उत्तराखंड की जनता कम से कम इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, वो बात नहीं कहेगी। आज चर्चा होनी चाहिए थी बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, पलायन के ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, उसमें चर्चा क्योंकि 5 साल काम किया नहीं है इसलिए इस तरीके की बातें ला रहे हैं, बोलने के लिए कुछ इनके पास है नहीं।
ठीक है मथुरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनसे हम पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये डूबते को तिनके का सहारा मात्र है, आपकी जब सरकार थी तब आपने इस पर काम क्यों नहीं किया, तो थोड़ा सा बताइए कि इस तरह के, इन्हें कहा जाता है कि ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे मुद्दे बीजेपी उठाती है, ये विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगाता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे बयान के क्या मायने हैं, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, जैसा मेरी अभी आप थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो जो कॉमन सिविल कोड है तो ये मतलब इसको हम समान नागरिक संहिता हम कहते हैं, जिस पर बहुत बरसों से एक बहस चल रही है पूरे देश में कि इसको देश में लागू किया जाना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति उसके लिए समान कानून होगा। तो अभी जैसा अभी हमारे कांग्रेस के एक मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया है, तो ये एक आम जनमानस के पटल पर एक बात ये अब हमेशा रहती है, कोई भी चुनाव आए, चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को बिल्कुल चुनावी घोषणा माना जाता है, ठीक मतदान से पहले की गई घोषणाओं की लोग उनकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध मान लेते हैं कि ये केवल चुनाव की वजह से किया गया है। दूसरी बात, ये विषय चूंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे एक इस बात का तो आइडिया है ही कि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये केंद्रीय सूची में है। संविधान की जो तीन सूची होती है, कॉन्करेंट सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची, तो जो केंद्र की सूची जो होती है उसी में ये कानून बनाने का पूरे देश के लिए एक अधिकार होता है, वो पार्लियामेंट को मिला हुआ होता है। राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, अपने मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव पारित करके, विधानसभा में एक संकल्प पत्र पारित करके वो केंद्र सरकार को भेज सकती है। अगर सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की आज इस बयान को दे दी होती तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती, और चुनाव में जो एक माहौल बदलने की और उलट पुलट करने की जो एक प्रयास हो रहे हैं शायद उनको बल मिल जाता। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की इस बातचीत के बाद स्टेट के भीतर भी एक गर्माहट देखी जा रही है, सियासत पूरी तरह से एक अपने चरम पर आ गई। आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार तो थम जाएगा जैसे 5 बजाएगी घड़ी, उसके बाद में जो ये कॉमन सिविल कोड और ये तमाम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये 5 बजे के बाद भी कल तक भी मतदान के दिन तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने इसी एजेंडे के तहत ये दिया हो कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, आज ऐसा कोई विस्फोट कर दिया जाए जिससे धर्म विशेष के लोगों में जो भय पहले से है उसको, उस कानून को बनाने की एक बात कह करके अपने हिसाब से अपने पक्ष में माहौल करने का एक प्रयास के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का कहना, चूंकि मुख्यमंत्री होता है संवैधानिक पद पर एक नियुक्त एक व्यक्ति होता है किसी भी पार्टी का, तो वो उसके वक्तव्य को हम कम से कम इतने सरल और सहज भाव से नहीं ले सकते, उसके वक्तव्य को गंभीरता से लेना होगा। ये सिविल कोड कैसे बनेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होगा, कैसे होगा, सरकार की क्या योजना होगी, ये इसका अभी कोई उल्लेख कहीं पर नहीं है। ये भी मैं एक आपको एक इमेजिनेशन करके बता रहा हूँ कि अगर राज्य सरकार उसमें पहल करती है तो जब राज्य सरकार का गठन हो जाएगा नई सरकार का, तो वो विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर पार्लियामेंट को भेज सकती है, तो इतना उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इस बयान से, ये तो एक तकनीकी बात हुई, वैधानिक बात हुई, लेकिन इस बयान के बाद यहाँ सियासत जो है पूरी गर्मा गई है उत्तराखंड में। इस बयान के बाद एक तरफ से उथल पुथल राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर में बयानबाजियों का एक दौर बहुत कायदे से शुरू होगा, अभी चीज़ें चलने लगी है, सोशल मीडिया पर चलने लगी है। भाई, ये अभी जो ये कानून बनाने की बात हो रही है, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये मतदान से 2 दिन पहले कानून कैसे बन सकता है। अभी जैसे लोकायुक्त की बात थी तो पिछली बार भी जो दृष्टि पत्र था, ये बिल्कुल सही कांग्रेस के साथी ने कहा है कि सबसे ऊपर उन्हीं का था कि लोकायुक्त का चयन उनका गठन करके 100 दिन में किया जाए। पूरे 5 साल बीत गए, लोकायुक्त का कहीं नहीं पता है, और अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। और अजीत जी आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, एक बड़ा बयान है और उसका क्या असर उत्तराखंड में चुनावों से एन पहले पड़ेगा, इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अजीत जी और रवि, विनोद, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जहां इस बड़े बयान का असर उत्तराखंड की सियासत में कैसा होगा, और साथ ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का भी आज आखिरी दिन है। घड़ी आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही 6 बजेंगे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज का चुनाव प्रचार खत्म होगा और उत्तराखंड में सभी सीटों पर प्रचार का जो इस समय पूरा माहौल बना हुआ है वो भी शांत हो जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव है 14 तारीख को, और उससे पहले सीएम धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि अगर फिर से मौका मिलता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, बकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस पर सहमति बनाई जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ फील्ड से जुड़े हुए हैं, रवि कैंतुरा का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि, ये बताएं कि अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा,
इसके लिए उत्तराखंड कितना तैयार है, ये बयान आने के बाद कैसी सुगबुगाहट है? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री का बयान है तो गंभीरता से लेना जरूरी है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार होगा, जब हम दोबारा सरकार में आएंगे तो शपथ के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसके अधिकार जो है समान होंगे, उसके कानून समान होंगे। हालांकि इस पूरे मसला क्या है, इसका एक ड्राफ्ट है, उस पर समझने में सभी को एक वक्त लगेगा। लेकिन आम जनता क्या सोचती है उनसे बातचीत करते हैं। सिविल जो कोड की बात कर रहे हैं, सिविल यूनिफॉर्म कोड की, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जैसे आज धामी जी का बयान आया है कि सर धर्म और क्या कहते हैं जाति के बारे में बयान आया, अच्छा बयान है, हम ही नहीं उस बयान को नहीं कहते कि अच्छा नहीं है। लेकिन ये धर्म की राजनीति करने वाले जो सिर्फ कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पूरे देश में भगवा लहराएंगे, तो एक धर्म की बात कैसे कर रहे हैं जब इनके पास उद्देश्य सिर्फ धर्म की राजनीति करने का है, ना कि धरातल पर काम। चलिए कुछ और लोग से पूछे, आप क्या समझे हैं, क्या लगता है कि ये कानून अगर बनता है उत्तराखंड में तो क्या फायदा क्या नुकसान, और अभी चुनाव का आज अंतिम प्रचार का दिन भी ठीक है। ये कानून तो ऐसा है कि कानून सबके लिए समान है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है। रवि, लोगों की भी अब राय इस पर आनी शुरू हो गई है और देखना होगा कि इसे विपक्ष किस तरह से लेता है। अगर ये कमेटी गठित की जाती है, ड्राफ्ट किया जाएगा पूरा का पूरा, और ड्राफ्ट जब बनेगा तो देखना होगा किस तरह से इसके जो परिणाम है वो सामने आते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। रवि शुक्रिया आपका, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी लगातार रणभूमि लाइव में तमाम खबरें और तमाम किस तरह से चुनाव प्रचार आखिरी वक्त का चल रहा है ये तस्वीरें भी एबीपी गंगा आप तक पहुंचाता रहेगा।